हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो क्या हाल है। बारिश हो रहा है, और मतलब सुबह में तो दोस्तों सही था, बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन अभी अचानक से बारिश हो रहा है ना। और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, और आज दोस्तों रात में काफ़ी ज़्यादा हम लोग जड़ा गए। रात में ही बारिश हुआ और हमारी लकड़ी यकड़ी सब भीग गई। पकड़ो यहाँ पर दोस्तों, लकड़ी पूरी भीग गई है, उधर की पूरी भीग गई है। और कुछ बहुत जया जी ने अंदर रख लिया था रात में उठ करके, हम भीग गए थे, तो वो तो बच गई, लेकिन ये भी भीग गई, तो ये भी थोड़ा जड़ा गई। अभी चूल्हा उल्हा जलाया है दोस्तों, देखिए कैसा धुआं छूट रहा है। बहुत देर से चूल्हा जला रहा है ना, सुबह से जल ही नहीं रहा है, सुबह से चूल्हा ही नहीं जल रहा है, तो पूरा लकड़ी भीज गया ना। तो तुम बताओ क्या, हम चूल्हा को जलाते हैं, तुम अंदर से हमको सामान दे दो, चाय बना लेते हैं। ठंडी ठंडी है ना, तो थोड़ा सा ठंडी दूर होगी ना, हम छाता भी ओढ़े रहेंगे नहीं। तो तुम हमको सामान दे दो है, जो चाय बनाने वाला है ना, हम चाय बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम चाय बनाएंगे आज, और पहले तो चूल्हा जलाते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत की बात है कि चूल्हा जल जाए, तो कम से कम आधा घंटा से चूल्हे में लगे हैं बराबर। और अभी थोड़ा तेज बारिश होगा, सुबह में बहुत कम बारिश हो रहा है। बिटिया को देख ना, मिर्चा इच्चा ना खा ले, उधर देखो मिर्चे के पास में है बेटी, वो कपड़े ना, वो कपड़े अपने से बटा दो। लाओ तुम हमको सामान दे दो, लोहड़ी दो, लोहड़ी लाओ। अच्छा है पानी, है पानी अच्छा है। हम नहीं गिरे, छाता लगाया। बताना इतने आए नहीं, खत्म हो गए। देखो कितना तेज बारिश हो रही है दोस्तों, देख सकते हो अभी कितना जोर बारिश हो रही है ना। कपड़े लाओ, देखो बस एक लोहड़िया चाय बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतना ठंडी है, चाय पिएंगे तो ठंडी दूर हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। देखो चूल्हा को जलाते हैं, और ये घर को थोड़ा और ऊंचा करेंगे, और साइड में और बनाएंगे दोस्तों। अभी थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं बना रहे थे, अभी तक वहीं जाता। चलो दोस्तों अभी चाय पका लेते हैं। वो लकड़ी भी लगा दी, थोड़ी देर में चली जाएगी, बड़ी वाली लगा लगा दे, छोटी वाली कई सारी लगा दे तो थोड़ा सुरक्षित रहेगी। हाँ, सही तो ये लगा सब भींज गई है, देखिए दोस्तों ये सब लकड़ी भींज गई है, देखो इधर का उधर का वो सब भींजी है। लेकिन जया जी ना कुछ अंदर रख लिए थे थोड़ा बहुत रात में उठ करके, तो चूल्हा जल गया, नहीं हमारा चूल्हा नहीं जलने वाला था। बिटिया उधर से झाँक रही है, बेटी बेटी बारिश हो रही है, बारिश। चाय पकाई देखो तो, हाँ, चाय दोस्तों पक गई है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्या करेंगे, आधी आधी पकी है, और ठंडी इतना ज़्यादा लग रही है, क्या करें। और थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, पानी थोड़ा कम हो गया है, तो हम पीना चालू करते हैं दोस्तों चाय, वो धीरे धीरे करके पी करके मतलब पूरी बढ़वा देंगे, तो थोड़ा शरीर गर्म रहेगा, और मतलब चूल्हा भी नहीं जल रहा है, तुम छानो है, चूल्हे जलाते हैं। चूल्हा बिल्कुल नहीं दोस्तों जल रहा है, बहुत मुश्किल के जल रहा है, फूंक फूंक करके जला रहे हैं। अब चाय पी लेते हैं। क्या बनाओगे अभी, तो कुछ बनाओगी ना? हाँ बनाऊंगी। क्या सब्जी बनाओगी? सब्जी नहीं बनाएंगे जी, इसी लोटी भीग रहे हैं, कम मसाला।
तो फिर कब ना सब्जी दाल बना दाल? ये देखो रख दिया ये क्या हम सोचे चावल है नहीं चावल अभी कुछ नहीं बनाया रखी दोस्तों ये दाल है अदान रखा जिया जी ने हाँ, तो दाल बनाएंगी आज और सब्जी बनाना तो था लेकिन आज सिलौटी भींजी है इधर देखिए हमारा पूरा सिलौटी भींज गया है और मसाला भी नहीं बांट सकते हैं और दोस्तों काफी मुसीबत है अभी बारिश में ऐसा ही हो जाता है। दोस्तों चाय आप लोग भी पी जाइए और हम भी पी रहे हैं अभी चाय इतना बचा है ना तो ये सब हम साफ कर देंगे थोड़ी देर में सब पी जाएंगे हाँ। अदरक पड़ी है तो थोड़ा ठीक ही लग रही है और हाँ दोस्तों एक बात मतलब ये है कि हम नहाते हैं और सुबह में नहाए हैं लेकिन बाल हमारे वैसे हैं ना कि हम लोग तेल नहीं लगाते दोस्तों बालों में तो मतलब मांग नहीं बनती है थोड़ा सा ही अगर इधर उधर हाथ लग गया तो बिगड़ जाती है मांग तो तेल हमारी आदत नहीं छोटे से ही लगाने की तो इसके लिए तेल नहीं लगाते हैं अगर तेल कभी कभार लगा भी लेंगे ना दोस्तों तो ऐसा लगेगा हमारे बाल चिपके हैं हमारे बालों में कुछ लदा है तो इसके लिए हम तेल नहीं लगाते हैं नहाते हैं जैसा ये है कि जैसे कपड़े हैं तो रोज नहीं हम धुलते जब गंदे हो जाते तब उनको हटाते नहीं कपड़े दोस्तों हम तीन दिन दो दिन पहने रहते क्योंकि हमारा काम वैसा ही है खेती बाड़ी का काम रहता है तो मतलब हम वैसे ही चला रहते हैं काम चलाऊ वही कपड़े पहन लेते हैं वही कपड़े पहने रहते हैं तो दोस्तों चाय पी चुके थे और मौसम भी साफ हो गया है थोड़ा सा सूरज देव निकला है और बारिश दोस्तों बहुत तेज होने लगा था तो हम लोग अंदर घुस गए थे और अंदर कपड़े जला के ऊपर तापते रहे थे हाँ। और अभी जया जी दोस्तों बिटिया को सिखा रहे हैं बिटिया बहुत जोर से मतलब इसके हाथ पैर ठंड हो गए ना और अंदर का कपड़ा था तो वो भी मतलब जल गया था पूरा तो अभी लकड़ी डाले हैं और इधर लकड़ी रख दी है सूखने के लिए देखिए सूख गई है ना हाँ जी सूख गई यहाँ यहाँ गीली है इधर इधर गीली है ना इधर ऐसे करके रख दो सुखा लेंगे ये सारी लकड़ी दोस्तों भींज गई थी अब जया जी ऐसे रख करके सुखा लेंगे तो ये मतलब अंदर रख देंगे अब अंदर ही रखेंगे भूल हाँ, के मतलब बाहर मत रखना इतनी हाई है जी ज्यादा हाई भी तो नहीं हाँ। हाँ, सुखा के रख लेंगे और बाद में दोस्तों काफी ज्यादा बारिश हो गया था यहाँ पर भर भी गया था पूरा पानी तो अभी थोड़ा सा मतलब कम हो गया है काफी टाइम भी हो गया है ना हाँ। तो हम उसको ले आते हैं क्या उसको असला को देखो जलने लगा सारी गर्म होगा वो ये देखिए दोस्तों जल रहा है इस तरह तसला हम अंदर रख लिए थे और आराम से अभी रख दिए थे और नहीं तो ये इसको ताप ताप करके काफी ज्यादा मतलब कचरा जला डाले हैं और शुरू करके अपने मन से जलने लगा है ना बाहर बारिश ही हो रहा था बाहर तो आपने कोई बांध ही नहीं रहा था इधर से पानी चू रहा था तो इधर बैठ के चूल्हे में बनता नहीं था तो हम अंदर इसको रख लिए आराम से तापते रहे थे और अब थोड़ा सा मौसम खुल गया है तो अब इसका जरूरत नहीं है लेकिन अभी ताप लेंगे और शाम को भी थोड़ा सा तापेंगे जला के ना हाँ। तो हम जाते हैं अरे वो करबात हाँ। ले आए अच्छा हाँ, आज इकट्ठा कर लेंगे ले आए फिर हाँ ठीक है तो जाते हैं दोस्तों हम ईंधन ले आते हैं और अभी मौसम खुल गया है तो अपने घर पे रख लेते हैं हाँ। क्योंकि अब इस टाइम पे ना पता नहीं बारिश कब आए कब ना आए ये बोरी लेते हैं इसी में ले आएंगे और बरसात का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों ईंधन ईंधन अपना ले आएंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा ईंधन सारा भींग चुका है अब ये सूखेगा नहीं पता नहीं कितने दिन में सूखेगा अगर धूप निकल जाएगा तो सूख जाएगा एक ही दिन में देखिए पूरा भीग गया है देखो दोस्तों सब भीग गया है ऊपर ऊपर का तो पूरा भीग ही गया है पानी पूरे में पड़ गया है अब ये समय जलता नहीं इसके नीचे का निकाल निकाल करके अंदर रख लेते हैं बाद में सुखा लेंगे नहीं ज़्यादा भीग जाएगा तो फिर बाद में बहुत आफत आएगी दो तीन खेप डाल लेंगे तो हो जाएगा और हमको आइडिया नहीं था कि बारिश हो जाएगा नहीं तो पहले ही डाल लेते और नहीं लग रहा था कि बरसात होगी लेकिन अचानक से बारिश हो गई हाथ आजकल तुरंत गल जाते हैं एकदम से बर्फ हो जाते हैं इतना ज़्यादा ठंडी है और कितना अच्छा आग हो गया देखिए है ना लौकी तोड़ेंगे क्या जी तोड़ेंगे क्या हाँ कहाँ है लौकी दिख नहीं रही है
लौकी है दोस्तों, पर अभी दिखाई नहीं दे रही कहाँ पर है। वो देखो ये ठो कहाँ पर रखी है, वो देखो ऊपर है ना, सीधा कर दो उसको। इधर है दोस्तों लौकी, ये देख सकते हो इधर है ना, ये नीचे कर दे क्या, छोटी है ना, बस रहने दो, लटकती रहेगी। अब लटकेगी, देखो इसमें कितना सारा पानी भरा है, देखो इसमें कितना सारी, बार बार धक्का लगता है ना तो बह जाते हैं। तोड़ लेंगे इसको, सुनो तो तोड़ लेंगे इसको, ना तोड़ो जी आज, एक ही लौकी है और नहीं इधर, ना तोड़ो आज तो खाना हो ही गया है ना, जिस दिन बनाएंगे तब तोड़ेंगे। और लौकी भी नहीं है, एक ही लौकी है दोस्तों, इसको अभी और थोड़ा बाढ़ जाने देते हैं, फिर थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो मतलब सही रहेगा ना। और इतने बड़े पेड़ में लौकी ये ज्यादा फरती नहीं है ना, ये ज्यादा नहीं फरती, वो दूसरी वाली होती है ना वो बहुत पानी भरा है, उसको बहा दो, बारिश का पानी भर गया तो बार बार गिर जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। निकलो निकलो निकलो, आ गया ना सब, आ गया। एक इधर भी लटक रही है, कहाँ उतनी ही बड़ी है, ये है तो ये है। तो सामने दिखी नहीं, हमने देखा दो लौकी है ना, ये भी छोटी है, दो लौकियाँ दोस्त अभी हमारे पास छोटी छोटी है ना, इनको हम बर्तन रख देते हैं और दिन पहले इनको, हाँ। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा धूप निकला ये बेटे, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, सूरज देव निकले हैं और ठंडी भी थोड़ा सा कम हो गई दोस्तों, नहीं इतना ज्यादा ठंडी था क्या ही बोल। और हमारी बारियां भी देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा आलू है इधर से उधर तक, इतना ही छोटा छोटा है, और हम दवा ववा कुछ भी नहीं डालते हैं, ये पालकी हमारी तैयार नहीं हो रही है, पालकी बेकार हो गई ना, अभी हम लोग पालकी नहीं खाए हैं दोस्तों, ये हमें लग रहा है ना हम खा ही नहीं पाएंगे, खराब बेकार हो जाएगी, बहुत दिन से हो गए ना, इतनी ही छोटी छोटी है। और मेथी तो अभी छोटी छोटी है, और चुकंदर बस हमारे हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। और इधर हम लोग का ये है लहसुन है, और उधर फूल है दोस्तों देख सकते हो बड़े बड़े, और धनिया, लास्ट में मेथी है, मेथी भी अभी छोटी छोटी है, वो भी हमें पता नहीं कब खाने के लिए मिलेगी, और धनिया तो हम लोग खा ही चुके हैं है ना, मेथी बहुत छोटी छोटी है देख सकते हो, धनिया बस हम लोग खाए हैं, धनिया हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन पता है लो सब समेट लो, उनको रख देंगे अंदर, सूख जाएंगे, अभी रहने दो जी, अंदर नहीं देगा, हाँ अभी रहने दो, यहीं पर हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगे ना। पीछे खींच दो, हाँ गर्म है क्या, पूरा भी आग है उसमें ना दोस्तों। जय जी का तो पूरा काम हो गया है, और मौसम भी खुल गया है, और अभी जय जी बर्तन वर्तन धोएंगी, अब दोस्तों हम भी जाएंगे अभी काम पर, तो वीडियो कहीं पर समाप्त कर देते हैं ना, हाँ, कर दो। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमारे वीडियो को लाइक कर देना, हाँ, और प्यार सा कमेंट करना दोस्तों, हाँ। चलिए दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।